आप देख रहे हैं खबर पांडेश्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवोग्राम पंचायत के ज्वाल भांगा गांव में विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार 26 जून संध्या समय एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के बीच धान फसल का बीज वितरण किया गया। प्रत्येक किसान को 10-10 किलो बीज दिया गया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कुछ महीनों से हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार प्रयास किया है कि जनता को कैसे कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के पालन करने के दौरान गरीबों को भारी कठिनाई हुई। उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री ने फ्री में अनाज देने की व्यवस्था की। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें कूपन के माध्यम से अनाज दिया। उनके निर्देश पर हम लोगों ने भी अपनी क्षमता के अनुसार लगभग सभी गरीबों को अनाज दिया। यहाँ तक कि विधवा महिला, विद्यार्थी, आरएमपी, चिकित्सक, निजी शिक्षकों, पशुपालकों की भी मदद की गई। ज्वाल भंगा के किसानों ने मदद का अनुरोध किया था। यहाँ के 100 किसानों को 10-10 किलो उन्नत किस्म का धान का बीज दिया जा रहा है। इससे आपका ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे एहसास होता है कि आप लोग हमारे अपने हैं। बीते लोकसभा में हमारे नेताओं की गलती के कारण यहाँ के लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। जिन नेताओं ने यहाँ घमंड किया था उन्हें निर्देश दिया गया है कि जनता से जुड़कर कार्य करें। जो भी अयाय कर रहे थे उन्हें बहिष्कार करने की धमकी भी दी गई है। विधायक ने कहा कि हरिपुर में विधायक का कार्यालय बना है, मैं वहां रोज आता हूं। किसी तरह की समस्या होने पर सीधे वहां आए। चुनाव के समय में टीएमसी नेता था। ममता बनर्जी के आशीर्वाद और आपके प्यार से जब विधायक बना हूं, तो मैं यहां के प्रत्येक जनता का विधायक हूं। ममता बनर्जी कहती हैं कि गरीब लोगों का कोई जात धर्म या पार्टी नहीं होता है, वे सिर्फ गरीब होते हैं। हम लोग बिना भेदभाव के गरीबों के साथ हैं। इस अवसर पर नवोग्राम पंचायत प्रधान सविता, टीएमसी नेता किरीट मुखर्जी, उमेश मिश्रा, असीम मंडल समेत ग्रामीण और स्थानीय टीएमसी नेता उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। जे एक कोरोना वायरस है जे कारणे मानुष जीवन जे कष्ट সেটা থেকে কি করে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায়। করোনা সময় যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন আমাদেরকে বলেছে যে বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে না, ঘরে থাকতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, প্রচুর মানুষের কষ্ট হয়েছিল। মূলত যারা গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের সুবিধার্থে, গরিব খেটে খাওয়া মানুষের সুবিধার্থে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গরিব মানুষদেরকে বিনামূল্যে চাল, গম এগুলো সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলেন। তারপর জানা গেল যে বেশ কিছু গরিব ব্যক্তি আছে যাদের রেশন কার্ড নেই, কিন্তু তারা নিজের চাল শস্য কিনতে অক্ষম। তাদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফুড কুপনের মাধ্যমে বিভিন্ন গরিব মানুষকে চাল পৌঁছে দিল। তার নির্দেশ ছিল বিধায়কদের উপর, পঞ্চায়েতের উপর, যে তোমাদেরকেও মাঝে মানুষের পাশে থাকতে হবে। আমরাও আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পাণ্ডবেশ্বরের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই, যারা নেয়নি তাদের কথা বলছি না, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই প্রথম লকডাউনের সময় অন্তত 5 কেজি চাল, 2 কিলো আলু পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে মাস্ক দেওয়া হয়েছিল। পয়লা বৈশাখের সময় আমাদের বাঙালিদের প্রথা